नमस्कार, आइए साथ पर प्रकाश डालें। इससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली और बिल्कुल पहुँच गई है सूर्य के पहले पद तक। सूर्य के पर्व तक पहुंचने वाली कनिष्ठा उंगली का मतलब होता है व्यक्ति मेधावी किस्म का है, व्यक्ति धार्मिक किस्म का है, व्यक्ति सही लोगों के बीच में उठता बैठता है, सही बात को सही समय पर जवाब देने, अनुकूलता के साथ में आगे बढ़ना, ये सब की सब क्वालिटी आपके पास में है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं बुद्धि के स्तर को कहूँ, अच्छी याददाश्त आपके पास आजीवन रहने वाली है। थोड़ा सा एक जरा सा गड्ढे में को गया हुआ हाथ जब नीचे चलती है तो थोड़ा व्यक्ति जल्दबाजी करता है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, फिर भी आपको ज़्यादा भारी नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर देखें तो यहाँ कुल मिलाकर के यश मिलेगा आपको, सम्मान मिलेगा आपको, आपके जीवन के अंतर्गत आप अच्छी पद प्राप्ति करेंगे। तो कभी ऐसा लगेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो व्यवहारिक पर्व है उस पर थोड़े से कुछ क्रेसिस के निशान हैं, उस प्रकार होने से व्यक्ति अपने मन के अंदर कभी पीड़ा महसूस करता है। तो ये इस तरह का हो जैसे कहते हैं थोड़ी सी मन के अंदर कुंठा रह जाती है कि मैं यार ज़्यादा पद पर जा सकता था, उतने पद तक नहीं गया। साथ ही साथ ये बीच में जब गैप बना हुआ है तो ये अच्छा गैप नहीं माना जा। जब जब इस प्रकार का गैप होता है तो आपका एक सवाल भी है, माता पिता रिश्तेदार से रिलेशन, ये जब बीच में गैप आता है तो ये रिलेशन, ये व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कारण उसको मिलेगा जिससे उसके माता पिता के साथ रिश्ते वो नहीं रह पाते, या माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, या रिश्तेदारों के साथ में व्यक्ति की अनबन बनी रहती है। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये बीच का गैप अच्छा नहीं माना जाता, तो ये इस तरह के संबंध व्यक्ति के बना देता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें भी अच्छी जो आप कहेंगे जितना हिस्सा आपको मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। अब बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर ये व्यावसायिक व्यवहारिक पर्व के ऊपर ये कट के निशान, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन के अंदर आएगी तो निश्चित रूप से आपके पास में कर्ज से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब तक ये स्ट्रेजेस यहाँ बने रहेंगे तब तक व्यक्ति का कर्ज नहीं उतरता है। तो यहाँ इस उंगलियों को आपको स्वयं देखना होगा कि जो ये इस तरह से कट के निशान बने हुए हैं, ये कट के निशान कब आपके इस पर्व से ख़त्म हो जाएंगे। यदि ये कट के निशान नीचे वाले पर्व पर आ गए तो आप ये समझ लिए कि फिर कर्ज तब भी आपके पास में बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये उंगलियों पर चिन्ह आपको लगातार देखने पड़ेंगे और उससे आप जान पाएंगे कि मेरा कर्ज कब उतरेगा। जब कर्ज उतर जाएगा तब यहाँ से निशान ख़त्म हो जाएंगे। अब बात आई आपकी, आगे की बात कर लेते हैं। आपकी ये पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व, बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बृहस्पति का पर्व जाना जाता है आदमी के पास में कहने का एक तरह की, भाई मैं सिर्फ एक तरीके से धन कमाऊँगा और वो धन होगा मेरे पास ईमानदारी का धन। तो यहाँ निष्ठावान व्यक्ति की उंगली, साथ ही साथ कुछ गर्व महसूस करता है व्यक्ति, आत्मसम्मान उसे बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, छोटे आदमियों को ज़्यादा अपने मुंह नहीं लगाता, उसे बहुत समझ होती है कि इस व्यक्ति से मुझे बात करनी चाहिए। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भी सामान्य पूजा पाठ आप व्यक्ति इस तरह का करता है। जब ये कट होते हैं तो थोड़ा पत्नी के साथ में व्यवहारिक रिश्तों में खटास रहती है। तो चलिए यहाँ आपके बृहस्पति पर्व की मैंने आपको बताया, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके बुध पर्व की। जहाँ बुध का टावर इतना अच्छा था वहाँ पर यदि ये रेखा खड़ी हुई ना भी मिलती तो भी ऐसा नहीं, तो भी अपने आप, क्योंकि ये है वेग, यानी कि कुल मिलाकर के ज्ञान को वेग देने वाली लहर जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर विराजमान आपके हाथ के अंदर भी हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को संतान का सहयोग भी मिलेगा और धन के आगमन भी निरंतर रूप से यहाँ पर बने हुए आपके हाथ के अंदर है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व से सूर्य पर्व को जाने वाली रेखाएं यहाँ इस प्रकार के इंडिकेशन करते हैं कि व्यक्ति को राज्य से सरकार से सम्मानित कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो उसके क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की अच्छी खासी पहुँच भी यहाँ पर होती है।
तो कुल मिलाकर के यहाँ अभी वो इंडिकेशन मैं कह सकता हूँ कि जो राज्य सरकार से आपको टेंडर्स भी यदि मिले तो ले लीजिएगा, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है नौकरी के साथ साथ। तो चलिए यहाँ पर इस बात को देख लेते हैं। राजनीति के लिए भी मैं थोड़ा रुकूंगा, तब आपका सवाल का जवाब दूंगा। आइए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एक और पर्व की, जिस पर्व को बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व, और यहाँ यदि आप देखें तो कम से कम 1, 2, 3 राहु क्षेत्र से निकल कर के जाने वाली रेखाएं, और साथ ही साथ ये कुल मिलाकर के जीवन के 50वें वर्ष, लगभग 51 से 52 वर्ष के बीच में आपके पास कई तरीके से धन के आगमन बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है आप अपने मकान वगैरह किराए पे दे दें, उसके द्वारा आने लगें, या आपका संतान से सहयोग से भी आपको धन आने लगे, या आप नौकरी के साथ व्यापार भी कर लें उससे आने लगे। तो यहाँ मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति 52 वर्ष के बाद से आपके पास में धन के योग बना रही है। आइए चलते हैं आपके बृहस्पति पद पर। बृहस्पति पद पर भी बना हुआ क्रॉस का चिन्ह बहुत ही अच्छा चिन्ह कहलाता है। आने वाले जीवन में लगभग 52 वर्ष के बाद में ये एक्स का चिन्ह जो यहाँ बना हुआ है, इस बात को बता रहा है कि आप बहुत अच्छे ट्रस्टों में दान भी देने वाले हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर 2 से 3 मकान भी निश्चित रूप से बना पाएगा। तो यहाँ इस प्रकार का, या एक तो मकान पैतृक संपत्ति का मिलेगा या वहाँ से संपत्ति मिलेगी, और साथ ही साथ स्वयं भी 2 से 3 मकान निर्मित कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को देखता हूँ तो एक प्रकार से बहुत मोटी होकर के हृदय रेखा आपकी जा रही है, साथ ही साथ कटास फटास के चिन्ह भी यहाँ पर हैं, यानी पत्नी के साथ में थोड़ा सा अनबन के चिन्ह मैं कह सकता हूँ। और वर्तमान में यदि 36 साल की एज है तो यहाँ लगभग 45 साल की एज के बाद में ज़्यादा मोटी हो गई है। तो पहले पत्नी के साथ थोड़ा स्टेटस में रहा, बाद में 45 वर्ष के बाद में आपको कुछ रोग लग जाएंगे पेट खराब से संबंधित, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। तो वर्तमान में ये संकेत है। तो चलिए आगे चलते हैं आपके मंगल पर्व पर। मंगल पर्व साहस का पर्व, मंगल पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ मंगल पर्व यदि मैं देखूँ तो साहसिक रेखाएँ आपके हाथ के अंदर कर हैं, आपके अंदर एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ कुल मिलाकर के पर्वत फूला हुआ होता है, तो पर्वत फूला हुआ अच्छा नहीं माना जाता। ये होता है मंगल पर्व। मंगल पर्व यानी कि जमीन का, यानी जमीन से संबंधित विवादों का सामना, यानी कि पैतृक संपत्ति में विवादों का सामना के बाद में पैतृक संपत्ति का मकान मिलता है, पर्वत यदि इस तरह से उठा हुआ होता है। साथ ही साथ साहसिक रेखाएं आपके पास हैं, साहस की कोई कमी नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी ना करें इस बात को दर्शाती हुई ये रेखाएं यहाँ, पर्वत उठा हुआ है तो जल्दबाजी कर सकते हैं साहस में। अब बात कर लेते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का यहाँ से निकलना और उसके बाद डिवाइडेशन ऑफ टू पार्ट्स हो जाना, इतना बड़ा डिवाइडेशन ऑफ टू पार्ट्स हो जाना जब व्यक्ति के हाथ के अंदर 3-3 जगह हो रहा है बल्कि, तो ये व्यक्ति को यहाँ त्रिशूल नहीं बना रहा, ये व्यक्ति को भ्रमित कर रहा है। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति व्यापार के साथ दूसरे, नौकरी के साथ दूसरे व्यापारों के साथ भी धन के आगमन प्राप्त करता है। लाभ की स्थिति को यदि देखें तो यहाँ जो व्यापारिक रेखाएँ हैं आपके हाथ के अंतर्गत, वो कुछ आपको लाभ दिलाती हैं तो कुछ आपको नुकसान भी दिलाती हैं, यानी व्यापार के द्वारा कोई बहुत ज़्यादा लाभ के संकेत 52 वर्ष से पहले नहीं है। यानी अगर आप करोगे तो एक सामान्य रूप का जो लाभ है वो आपको मिलेगा, और उससे ज़्यादा मिलेगी आपको टेंशन। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस प्रकार के संकेत। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। तो चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत पर देखने वाली रेखाएँ जो यहाँ पर एक्स के चिन्ह भी बनाते हैं, यानी गुणक चिन्ह भी बनाती हैं, गुणक चिन्ह कभी भी शुभ नहीं कहलाते, मानसिक चिंताओं को दर्शाता है। साथ ही साथ ये यहाँ पर गुणक चिन्ह जो हैं, ये सब मानसिक चिंताओं के लिए यहाँ पर आपके हाथ के अंदर विराजमान हैं, और इस तरह के जब चिन्ह यहाँ पर मिल जाएं तो ये व्यक्ति को जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्ज ज़्यादा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये कर्ज की रेखाएँ भी आपके हाथ के अंदर विराजमान हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ये सब चीज़ें आपके हाथ में अंदर विराजमान मिली हैं, ये आप सत्य ही कह रहे हैं कि कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यहाँ से ये भाग्य रेखा जाकर के, और सीधी सीधी अगर मैं देखूँ तो कुल मिलाकर के
यहाँ दूर स्थानों से जुड़ करके, और इस तरीके से 35 के बाद में ये रेखा यहाँ चली गई और लगभग लगभग एक रेखा और सहायक रेखा जो आपको मिली है आपके जीवन के अंदर, ये मिल रही है आपको लगभग 39वें वर्ष से। 39वें वर्ष से किसी और दूसरे कार्य के जुड़ने के संयोग भी यहाँ आपके हाथ में मिलते हैं, यानी कि हो सकता है या तो पत्नी के द्वारा या हो सकता है साइड वाइज मकान के किराए के आमदनी के संयोग मिल जाएं आपको। इस प्रकार के संकेत आपके हाथ के अंदर बनते हैं। तो 39वें वर्ष से आपको कुछ दूसरे साधनों से भी धन के आगमन मिल रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया अभी तो आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन 52 वर्ष के बाद में आपके वो सब संघर्ष खत्म हो जाएंगे और धन के जहाँ तक सवाल है कर्ज वर्ज आप धीरे धीरे करके सब 55 तक एंड कर देंगे। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत आपके हाथ में है। आपने पूछा फाइनेंस कैसा रहेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से अभी आपको काफ़ी संघर्ष है, 36 साल की आपकी उम्र है और उसमें फाइनेंस की स्थिति आपको लगातार बनी हुई है, और इसमें जो आप कहते हैं कि कर्ज वाली स्थिति है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। आपने कहा मेरा खुद का मकान कब होगा, तो मैं आपको बताऊँ, देखिए जब मैं मकान की यहाँ संकेत की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से 37 के बाद में ये जो क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, फिर इसके बाद यहाँ लगभग लगभग अगर बात करूँ तो यहाँ 37 से 38वें वर्ष में आप मकान का युग बन रहा है। हो सकता है आप ज़मीन मकान लेकर के छोड़ दें। इसके बाद में यदि मैं देखता हूँ तो दूसरा एक और मकान का फिर आपको चांस मिलेगा और वो होगा आपके जीवन में 45वें वर्ष में, और तीसरे मकान का और अवसर आपको मिलेगा वो होगा आपके जीवन के अंदर यहाँ 50वें व 52वें वर्ष में। ऐसा भी हो सकता है इन आयु के अंदर आप कोई बड़ा मकान न खरीदें, कोई बड़ी गाड़ी खर्च ले करके इन्वेस्टमेंट उसमें कर दें। तो चिंता मत करिए, आप सब चीज़ों से जल्दी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अनुशासन रखने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये भी हो गया। आपने पूछा क्या मैं राजनीतिक योग मेरे हाथ में है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। एक सूर्य पर्व के नीचे थोड़ी सी रेखा खड़ी है, वो इस बात को बताती है कि आप राजनीति में इंटरेस्ट ले लीजिए, लेकिन राजनीति से धन कमाने की अगर बात करें तो वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो राजनीति में इतनी ही सफलता मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपने कहा जीवन में सफलता कम मिलेगी, जीवन का असली जो रस आएगा जिसमें आपके पास कर्ज नहीं होगा और धन की चिंता नहीं होगी, वो आपका 52 वर्ष के बाद का समय आपके जीवन का है, और अभी का जीवन भी खराब नहीं है। धीरे धीरे करके समस्याओं से आप निकल जाएंगे। कैसे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आज से पहले मैं बात देख लेता हूँ आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई काफ़ी कुछ रेखाएं हैं, तो संघर्ष बना हुआ है ठीक ठाक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जीवन के संतोषजनक खाने पीने के सुख साधन की चीज़ें की कमी है, वो ऐसी कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है। आपके हाथ से संतान रेखा की उपलब्धता मुझे दिखाई नहीं देती, वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगेगा। आयु रेखा की बात करते हैं, 80-82 साल की आयु रेखा आपके हाथ के अंतर्गत मौजूद है, तो बहुत अच्छी आयु रेखा भी आपके पास में है। तो सारे रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, उंगलियों के बारे में मैंने बताया। ये एक रेखा है ज़बरदस्त रेखा, जिसके हाथ में हो जाए उसको बस कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसको बोलते हैं संजीवनी रेखा, जिस हाथ के अंदर ये रेखा होती है ये सारे कलेशों से सारी चीज़ों से मुक्ति दिला देती है, यानी कि विनिंग 100% उसके भाग में विधाता से निकली है कि आप किसी भी चीज़ से ना घबराए, मैं सब चीज़ों से निकाल करके तुम्हें बाहर ले आऊँगा और अंत में विजेता आपको बनाऊँगा। तो बहुत अच्छी रेखा ये आपके हाथ के अंदर, ये सबके हाथों में नहीं मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं हम आपको क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंदर निरंतर आपके पास में धन के और ये मकान की सफलता, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं सबसे पहले आपको मानसिक शांति के लिए कहूँगा। इसके लिए आप रोज़ाना अपनी मानसिक शांति के लिए आपसे मैं कहूँगा आप रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक अपनी पूजा के अंतर जोड़ लीजिए। साथ ही साथ आप रोज़ाना श्री सूक्तम का पाठ भी करें। बस ये तीन पूजा कीजिए और आपका रतन बनता है पुखराज। एक पुखराज रतन इसके अंदर धारण कर लीजिए, आपके जीवन से सब संकट दूर हो जाएंगे। आप डरें नहीं, आप घबराएं नहीं, आपको सब सुख सुविधाएँ मिलने वाली हैं और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल अभी जल्दी में ही आपको ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये लगभग लगभग मैंने बताया 37 के बाद में ज़्यादा ये चिंताएं आपके पास में नहीं रहने वाली हैं। नमस्कार।